अगर किसी भी व्यक्ति को सांस बहुत ज्यादा फूलती है, अस्थमा की शिकायतें, दमा है, फेफड़ों का किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण है और फेफड़ों के अंदर बहुत ज्यादा कफ बलगम चिपक चुका है, तो आज की रेमेडी ऐसी रेमेडी है, दो चुटकी भर पाउडर का प्रयोग आपको करना है और इससे आपके फेफड़ों का जमा हुआ बलगम तो साफ होगा, साथ में ही आपकी बहुत सारी बीमारियां भी सही होगी। फेफड़ों के संक्रमण पर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन पर भी काफी सारे वीडियो बने हुए हैं, एक बार आप जाकर उनको भी जरूर देखें। 100% नेचुरल इफेक्टिव रेमेडी है जो कि बहुत सारे लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही है। जैसे कि हम बात करते हैं रीजन की रेमेडी के रिवो की, तो फेफड़ों में संक्रमण होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपको सांस बहुत ज्यादा फूलती है, आपको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं, अगर आपको फेफड़ों के अंदर चिपका हुआ बलगम लगता है, सीना भारी लगता है, खांसी बहुत ज्यादा चलती है जिसके अंदर सूखी खांसी हो सकती है, कफ बलगम वाली खांसी हो सकती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि हार्ट फीवर है, यानी कि शाम होते होते बुखार जैसा फील होता है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो यह संक्रमण देखने को मिलता है। एलर्जी कई तरह से हो सकती है, लेकिन जैसे कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी हो सकती है, तो कुछ जैसे कि पोल्यूशन हो गया, धूल मिट्टी हो गई, इसके कारण भी एलर्जी हो सकती है। अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम होता है या फेफड़ों का संक्रमण बचपन में हो चुका है, बचपन में सर्दी जुकाम बिगड़ चुका है, निमोनिया हो चुका होता है, तो भी यह संक्रमण बार बार होता है। श्वास नली के अंदर अगर कफ बलगम जमने लगा है कि सांस की तकलीफ पड़ जाती है, सांस फूलने लगती है और सही ढंग से सांस नहीं लिया जाता। शरीर के अंदर अगर ब्लड की कमी आने लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, तो भी सांस फूलने लगती है। अगर ये किसी भी कारण से आपको ये समस्या लग रही है तो आज की रेमेडी काफी ज्यादा यूजफुल है, इसे आप कर सकते हैं। दो चुटकी भर लेने से आपके फेफड़े तो मजबूत होंगे, मैंने जैसे बताया कि सारी बीमारियां साथ में सही होगी। यहाँ पर हम दो तरह की रेमेडी करेंगे, पहली होगी अंदरूनी और दूसरी होगी बाहरी उपाय। अंदरूनी उपाय क्या करता है कि आपके अंदर जाकर शरीर के और बहुत सारे सिस्टम को मजबूत करता है, अंदर से सारे बैक्टीरिया को खत्म करता है, अंदर से आपको स्ट्रोंग बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। और बाहरी उपाय क्या करेगा, आपके पूरे दर्द को खत्म करेगा, जो आपको भारीपन महसूस होता है वह सही होगा, सांस लेने की जो तकलीफ थी वह सही होगी, श्वसन तंत्र मजबूत बनेगा। तो दोनों ही रेमेडी अगर आप साथ में करेंगे तो आपको 100% इफेक्ट मिलेगा। जिस किसी व्यक्ति को भी सांस की तकलीफ होती है, सर्दी जुकाम बार बार लगता है, उनको स्टीम लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टीम लेने के लिए आप क्या करें, एक बर्तन के अंदर पानी रखें, उसके अंदर आप आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और अजवाइन डालने के बाद पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए, उस पानी का कलर काफी चेंज हो जाएगा। फिर उस पानी को आप गैस से नीचे उतार लीजिए और एक टॉवल ओढ़कर स्टीम लीजिए। स्टीम लेने से बंद नाक आपका खुलने लग जाएगा, जो एलर्जी आपको हुई है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सांस सही ढंग से लिया जाएगा और जो आपके फेफड़ों तक भी कोई संक्रमण पहुंचा होगा या फिर कफ बलगम जमने लगा होगा वह ढीला पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप पहले स्टीम लीजिए, अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करिए, उसे डिटॉक्स करिए, तो स्टीम लेने से सारी चीजें होएगी। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटी पीपल आती है उसका प्रयोग आपको करना है। छोटे पीपल बहुत सारी बीमारियों को खत्म करती है। अगर आपको श्वास संबंधी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप क्या करें, छोटे पीपल ला करके उसका पाउडर बनाकर एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर लीजिए। काफी ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है शरीर के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो इसका अलग अलग तरह से हम उपयोग करके उसे जड़ से सही कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा सांस की तकलीफ है, आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन लगा है या फिर आपको खांसी का संक्रमण है, आपके गले के अंदर फेफड़ों के अंदर काफी ज्यादा बलगम भर चुका है, तो इस रेमेडी से बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटे पीपल का दो चुटकी भर पाउडर आपको लेना है और उसी के अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ मिक्स करना है और फिर इसको आपको खा लेना है। आप चाहे तो इस तरह से गोलियां बना करके भी रख सकते हैं, ये काफी हेल्दी होती है। अगर आपको खांसी चलती है तो ये बिल्कुल सही कर देती है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो पेट साफ होने लगता है। अगर आपको बुखार आ गया है तो बुखार को बिल्कुल जड़ से साफ करती है। तो इस तरह से या तो आप क्या करें, बहुत सारा जो पाउडर आपने तैयार किया है उसी के अंदर आधा गुड़ मिक्स करके उसकी गोलियां तैयार करके रख दीजिए और एक एक गोली आप लीजिए दिन भर के अंदर, तो उससे आपको जड़ से सारी बीमारी सही होगी। और एक और तरीका है इसको लेने का, आप क्या करें, दो चुटकी भर पाउडर लीजिए और उसे गर्म पानी के साथ में फाकी ले लीजिए। दोनों में से जो भी उपाय आपको अच्छा लगता है उपाय को आप कर सकते हैं उसको आप कर लीजिए, तो इससे आपके अस्थमा की शिकायत जड़ से सही होगी, सांस फूलना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खांसी के अंदर अगर बलगम भी निकल रहा होगा या फिर अगर सूखी खांसी भी चल रही होगी तो उसमें भी आराम आएगा। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो रात को सोते समय पर आप थोड़ा मसाज भी लीजिए,
मसाज के लिए आप क्या करें, थोड़ा सरसों का तेल लीजिए, उसे गर्म करने के लिए रखिए और दो छोटी लहसुन की कलियों को उसके अंदर कद्दूकस करके डाल दीजिए। अच्छे से पकने दीजिए लहसुन को, फिर उसे गुनगुने ऑयल से अपने चेस्ट पर, आपके पीठ पर इस तरह से आपको मसाज देना है। तो फेफड़ों के अंदर जितना भी कफ बलगम होगा वह तो साफ होएगा, फेफड़े स्ट्रोंग बनेंगे, सांस की तकलीफ एकदम बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको किसी भी प्रकार की और समस्या नहीं होगी, श्वसन तंत्र पूरी तरह से काम करने लग जाएगा, मजबूत हो जाएगा। रात को सोते समय पर बहुत बार खांसी चलती है तो वह संक्रमण भी सही होएगा, क्योंकि रात को जब खांसी चलती है, सो नहीं पाते इंसान, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगती है, तो वह सारा संक्रमण भी सही होएगा। साथ में हमेशा ध्यान रखिए कि जब छोटे पीपल का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी चीजों को अपने आप से रिमूव करना होता है। जैसे आपको क्या करना है, कुछ परहेज करने हैं कि छोटे पीपल जब लेते हैं तो उसके साथ खटाई का बिल्कुल सेवन नहीं करते हैं, तो इसमें आप अचार बिल्कुल ना लीजिए, पैकेट वाले आइटम ना खाएं, ऑयली चीजें ना खाएं, तला हुआ बिल्कुल भी ना खाएं, तो इस तरह से कुछ परहेज करते हैं तो आपको जल्दी से आराम मिल जाता है। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, इससे भी श्वसन तंत्र मजबूत होता है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल बढ़ता है और आपके खून की कमी भी दूर होती है, तो इस तरह से भी नेचुरल तरीके से भी आप इसको सही कर सकते हैं। अगर जानकारी कुछ यूजफुल रही है तो सभी के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।